हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। तो इसका स्वाद भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लगभग 300 से 400 ग्राम पनीर लिया है और सरसों का तेल, मैं इसको हम फ्राई करेंगे। मैं अक्सर सब्जी बनाती हूँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसे हमें गोल्डन सा ब्राउन होने तक इसे हमें पका लेना है पनीर को, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप देखेंगे ऐसा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बढ़िया, हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहो तो आप कच्चा पनीर, अगर आपको पसंद है तो आप कच्चा पनीर डालकर भी बना सकते हैं मटर पनीर, बट मेरे घर में सभी लोगों को ऐसा ही पसंद आता है। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से फ्राई कर लिया है। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, मतलब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। लिया है मैंने अदरक 3 से 4 इंच का, अच्छे से साफ़ कर लिया है। 5 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, मोटे मोटे, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले, जैसा आपको तीखा ज़्यादा कम पसंद है। इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे पीस कर, बिल्कुल इस तरीके से। अब उस तेल में मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्ची सूखी, 1 तेज पत्ता। इन्हें अच्छे से हल्का सा रोस्ट होने देंगे। टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से पकने देंगे। टमाटर की प्यूरी को मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना टमाटर का, बिल्कुल भी सब्जी में ना आए। तो इस चीज़ में आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम आँच पर बहुत अच्छे से पका लेना है। चलिए, जब तक हमारी टमाटर प्यूरी पकेगी, मैंने 2 चम्मच धनिया ले लिया, 1 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला, हींग थोड़ी सी है ये कसूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार लेना है। और सारे मसालों को अपने टमाटर की प्यूरी में ऐसे ही एज इट इज़ डाल देना है और अच्छे से मसालों को फिर से मिक्स करना है। हमें मसालों को काफ़ी अच्छे तरीके से पकाना है, ढककर पकाना है लगभग 2 से 3 मिनट धीमे आँच पर। इससे क्या होगा, हमारा जो मसाला है टमाटर मसाला अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी मटर डाल देंगे और मटर को भी हमें लगभग 2 से 3 मिनट ढककर पका लेना है ताकि हमारे मटर सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर, जो कि अभी हमने ऐसे अच्छे से फ्राई करके रखे थे। पनीर को भी ऐसे ही हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अगर आपको ग्रेवी वाली नहीं पसंद तो आप इसे ही 5 मिनट ऐसे ढककर पका लीजिए और बस खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊंगी ताकि बच्चों को चावल के साथ भी अच्छा लगे। तो 1 कप, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप पानी डालकर मैं इसकी थिक ग्रेवी बनाऊंगी। अब मैं इसे ढक कर 5 मिनट के लिए और पकने दूंगी। देखते ही देखते आप देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, मटर पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बिना लहसुन प्याज के। अगर आप इस तरीके से मेरे कहने से एक बार बनाकर देखिए, यकीन मानिए सभी लोग तारीफ़ करेंगे। साथ ही मैंने बनाई है पूरियाँ, अब मैं आपको दिखा देती हूँ सर्व करके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों के साथ शेयर करना, लाइक भी कर देना। और हाँ, चलिए, मेरे बेटे को भूख लग रही है, मैं उसके लिए प्लेटिंग कर देती हूँ जल्दी से। तो देखिए मैंने आज मटर पनीर के साथ साथ क्या क्या बनाया है। मैंने बनाई मटर पनीर, साथ ही मैंने बनाया है रायता बूंदी का, जीरा पुलाव, साथ में मैंने बनाया है थोड़े से मीठे लड्डू, 2 पूड़ियाँ। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।